Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSK Vlog. So guys, हम लोग हैं रे रोड दारूखाना में. हमारे साथ है आरिफ भाई. यहाँ पर हमने कुछ टाइम पहले इनके वीडियो शूट किए थे, कुछ बकरे दिखाए थे, थोड़े बहुत बकरे दिखाए थे. आज माशाल्लाह हम आपको पूरा बकरों की एक मंडी दिखाने वाले हैं पूरी. थोड़ा मैं पहले अंदर से आपको एक व्यू दे दूँ. आरिफ भाई क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आते तो हम लोग खुद ही से आपको ऐसे ही व्यू देंगे. बकरे सब खा पी के आराम से बैठे हुए हैं. ठीक है, होगा तो हम इनको खड़े करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग इनको परेशान नहीं करेंगे. मस्त बैठे हुए खा पी के माशाल्लाह एकदम फिट एंड फाइन बकरे हैं. ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे आरिफ भाई से और जानेंगे कहाँ पर है रे रोड में एग्जैक्टली ये एवरीथिंग इज अल्लाह हैज विल्ड इट, है ना, माशाल्लाह. तो हाँ, ये देखिए, ये है इनके सेटअप का नाम जैन गोट जान क्वालिटी गोट्स एंड पलाई कुर्बानी गोट्स अवेलेबल. हम लोग पलाई भी करते हैं जैन आरिफ भाई जी. ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे आरिफ भाई से और जानेंगे डिटेल्स वगैरह क्या है इन बकरों की, कौन कौन से बकरे इसमें अवेलेबल है. मुझे तो सामने एक बोर भी दिख रहा है, अंदर केजेस में भी काफ़ी सारे बकरे. जानेंगे वो बेचने के हैं कि वो पलाई के, कैसा है क्या है सारी चीज़ें. अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई. वालेकुम अस्सलाम. आरिफ भाई सेकंड टाइम आप हम लोग आपके सेटअप पे आए हैं आज जी, जी. और माशाल्लाह पूरा सेटअप आपका चेंज है, काफ़ी बकरे आपने लाए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए. कितने बकरे हैं अपने पास अभी एट प्रेजेंट इधर पर? एट प्रेजेंट में 203 बकरे हैं माशाल्लाह. हम लोग रे रोड दारूखाना में एग्जैक्टली किधर पर है? रे रोड दारूखाना यहाँ पर जो लक्ष्मी पेट्रोल पंप है जो है कि फेमस है. ओके, लक्ष्मी पेट्रोल पंप के बाजू में आप किसी से भी पूछेंगे, बस पेट्रोल पंप के पीछे ही हमारा सेटअप है और ये साल भर का सेटअप है. ये सेटअप भी कुछ है और बाद में नहीं है, ये साल भर के बकरे यहाँ पे पल रहे हैं और यहाँ पर साल भर से मतलब लोग आ रहे जा रहे हैं, व्यवहार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. हम लोग यहाँ पर साल भर से बकरे पाल रहे हैं जी. आरिफ भाई मैं बता दूँ आप लोगों को, आरिफ भाई स्क्रीन पे जल्दी नहीं आते, लाइम लाइट में जल्दी नहीं आते, हालांकि आरिफ भाई बहुत फेमस आदमी है और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे बकरे तैयार करते हैं माशाल्लाह. अब ये जो आप सामने देख रहे हो ये केजेस के अंदर जो है ये पलाई के बकरे हैं? नहीं, ये मेरे अपने खुद के हैं, साल भर यहाँ पे पाले. ओके ओके, अच्छा, लेकिन आप पलाई भी रखते हो ना? पलाई भी करते हैं लेकिन अभी ये सीजन में तो पलाई के, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब आपके पास बकरे पलाई के थे, इसलिए मेरे मुंह से उस वक्त, लेकिन अभी कुर्बानी का वो लोग अपने बकरे ले गए. तो ये जो इनके खुद के तैयार किए हुए बकरे है इसमें जो सामने केजेस में देख रहे हो सारे अंडूले. अच्छा, ये जो तैयार किए हुए बकरे ये सब देने ही है ना? सब फॉर सेल है, यहाँ पे जितने नग खड़े हैं सब बकरे देने हैं इनको. हाँ माशाल्लाह, सब फॉर सेल है. ठीक है, तो ये पलाई भी करते हैं. इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम लोग आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में अगर यहाँ पर साउथ मुंबई के अंदर अगर बकरा रखना है पलाई में तो आप रख सकते हो, बहुत ही कन्वीनियंट है. आप अपना बकरा कंटिन्यू आगे देख सकते हो, वॉच रख सकते हो. ठीक है, अब हम लोग की बात करेंगे इन बकरों के बारे में. 203 बकरे, 203 बकरे कौन सी, 203 बकरों में कौन सी ब्रीड है अपने पास? मेरे पास है सोजत, पंजाबी और सिरोही. सॉरी, सोजत, पंजाबी और गुजरी. सोजत, पंजाबी और गुजरी खस्सी में. ये जो बकरा अपन देख रहे हैं, ये कोटा है. ये कोटा है ना जी? ये अपने यहाँ का है कि ये लौट का आया हुआ बकरा है? ये अपने यहाँ का, अपने यहाँ का है ना. माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है ये तो. सोजत, पंजाबी और गुजरी है माशाल्लाह. सोजत में कितने बकरे हैं अपने पास? सोजत में अपने पास हो गए 70 से 80 बकरे. 70-80 बकरे, कुछ बकरे इसमें बिके हुए हैं जो बिक चुके हैं, जैसे कि माल आके अपना काफी टाइम हो गया. और ये बकरे जो है ये मेरे खुद के पले हुए, ये आप देख सकते हो, ये सब पे जो टैग है ये मेरे नाम का टैग है. अच्छा, ये बकरे हमने आगे किसान से पलवाए उसके बाद. अच्छा, हाँ, इस पे नाम लिखा हुआ है, जान जान गोट्स लिखा हुआ है जी. ये जान, जान मेरे बेटे का नाम अरजान है. अरजान, तो जान आपने की हो माशाल्लाह. तो ये अपने खुद के मतलब तैयार किए बकरे, लेकिन बम्बई में नहीं किए हैं? बॉम्बे में नहीं किए. okay, हाँ. जो है बॉम्बे में यहाँ पे अंडुल ही मैं रखता था पलाई के और मेरे पर्सनल. ओके, बट ये बकरे मैंने आज से 4.5 महीना पहले खरीद के वहाँ पे किसान के इधर ही छोड़ दिया था माशाल्लाह. और ये पलाई करके जब तैयार हुए बकरे तो यहाँ लेके आया. यहाँ पर कुछ अदन भी रह गए लेकिन वो भी मैं लेके आ गया. मैंने 3-4 नग है जो अदन थे. अगले साल पलाई पर रखने के लिए इजी रहेगा ना, लोग लेके रखते पाल लूंगा वो बकरे, उनका कोई इशू नहीं. सही है माशाल्लाह. आरिफ भाई जो है ना बहुत बड़े शौकीन है मतलब बकरों के, बहुत अच्छे बकरे ही बनाते हैं, तैयार करते हैं, खुद के भी लोगों के भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बकरे तैयार करे. और अगर कोई मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को ये भी जानते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग भी इनको जानते हैं माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर.
हालांकि लेकिन ये कभी कभी वीडियो पे जल्दी आते नहीं है। आज सेकंड टाइम ही मैं इनका वीडियो यहाँ पे बनाने आया हूँ, शूट करने आया हूँ, ठीक है। लास्ट आपने वीडियो मेरे देखे होंगे हार्ली डेविडसन के ऊपर, कौन सी थी, एक्विला प्रो थी वो गाड़ी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करी थी, वो इन्हीं की थी और हम लोग ने उस टाइम पे शूट किया था, ठीक है। अच्छा, इसमें अदंत से लेके कितने दांत तक के बकरे हैं? चार दांत तक, बस अदंत से चार, अदंत से सिर्फ चार, क्योंकि ये मेरे पल्ले में बकरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने खुद किसान से 70 बकरे लिया था और उसी के इधर पलाई पे रखने के बाद में जब ये तैयार हुए तो आज से 20 दिन पहले मैंने मेरे इधर लेके आके इनको सेट किया। बकरे पूरे सेट हो चुके हैं यहाँ पर आके, सुजत पूरे सेट है माशाल्लाह। और इनका खिलाने का भी टेंशन नहीं है, इनको एक टाइम चुअर भूसा, एक टाइम हरी पत्ती और एक टाइम घोड़ा जीरा, बस बस, और इसके अलावा तुमको कुछ नहीं डालना है। अच्छा आरिफ भाई, एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कोई लोग आते हैं बकरे खरीदने लेकर आते हैं यहाँ पर अपने पास जी, और जब खरीद लेते हैं तो हम लोग उनको बताते हैं कि हम लोग ये टाइम पे खाना ये खिलाते हैं, ये टाइम पे ये खिलाते हैं? मैं तो देखो, मैं ये मेरे बकरों के लिए नहीं, मैं हर किसी व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि अगर कुर्बानी का बकरा आप खरीद रहे हो तो मेहरबानी करके उनको जौ, गेहूं, चना, ये सब चीजें मत खिलाओ। अच्छा, भले आपको किसान कहता है कि मेरा बकरा जो है वो ये खाता है, बराबर है, पर आप मत खिलाइए। बॉम्बे का क्लाइमेट बहुत अलग होता है, बाहर का क्लाइमेट बहुत अलग होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, सर्दी होती है, निमोनिया होता है, ये खानों से होता है। जो हमारे बच्चे खुशी के मारे या अब भी ये सोचते हैं कि कुर्बानी का जानवर है तो इसको हम अच्छे से अच्छा खिलाए, आपके खिलाने से 10 दिन आपके खिलाने से जानवर का वेट गेन नहीं होने वाला है, सही है, हाँ। उसका डाइजेशन पूरा बिगड़ जाता है। उनको लाइट खाना दो जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे, सही है। उनकी जगह बदलती है, उनका डाइट बदलता है, उनको बहुत तकलीफ होती है, ये हम नहीं समझ पाते। हम सामने वाले से तकाजा करने लगते हैं कि भाई तूने जानवर दिया, ऐसा जानवर दिया, बहुत अच्छा। कोई भी ये जानवर ऐसा नहीं देता है, क्योंकि हम भी खरीद के लाते हैं, हम बीमार जानवर खरीद के नहीं लाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत तो बड़ी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी खरीदने वाला इंसान है, जो घर पे दो नग ले जा रहे हैं, तीन नग, भाई खिलाओ, पत्ते से पत्ता खिलाओ, आप भूसा खिलाओ, आप तुअर भूसा खिलाओ, हरी पत्ती खिलाओ, ये सब फीड, और सिर्फ 3 बार फीड करो, बस ज्यादा फीड की जरूरत नहीं है। एक्साइटमेंट में लोग क्या करते हैं, बच्चे ना बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो जानवर को तकलीफ दे रहे हैं हम, और हम 10 दिन में उनको दूध पिला के या चना खिला के उनका वेट गेन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा मैसेज है, अगर आप लोग समझ सको तो बहुत काम की चीज़ है कि बकरे 10 दिन में कोई गेन नहीं करते, इनको लिमिटेड डाइट दो, जो इनको मिलना था साल भर में मिल चुका, अभी सिर्फ हम लोगों को इनको बैलेंस में रखना है। जी जी, इनको सिर्फ इनको घटने नहीं देना है, इनको खेलने दो, खुला छोड़ो, रस्सी पकड़ के मत घूमने दो, खुला छोड़ दो, बकरा खुद खाएगा, खस्सी बकरों की बात कर रहा हूँ, बकरा खुद जब उसका दिल होगा वो खाएगा, और खुद उसका दिल होगा तो वो बैठ जाएगा। एक बार पानी दो, 2 बार पानी देने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 1 बार पानी दिखाइए, साफ पानी दिखाइए, हो सके तो गुड़ डाल के दिखाइए, बस बहुत हो गया बकरों के लिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज था, ठीक है। आरिफ भाई आप मेरे इस तरफ आइए, हम लोग इस तरफ चलते हैं अभी। तो ये है इनका दूसरा सेक्शन, इसमें ज्यादातर बीटल और गुजरी में देख रहा हूँ, है ना आरिफ भाई? जी, जी, जी। इसके अंदर हम लोग जरा अंदर चल के दिखाते हैं लोगों को, बहुत अच्छे बकरे हैं क्वालिटी वाइज, बड़े बकरे एक्चुअली, देखा जाए तो मेरे को लगता है बड़े बकरों का सेक्शन आपने इसको किया हुआ है, बड़े बकरों का। आ जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए, ये देखिए सामने ये बीटल में माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा बकरा है, और बीटल तो होते ही बड़े हैं माशाल्लाह से। तो इनके बारे में मतलब क्या, मतलब हम लोग क्या रेट वगैरह और क्या है? आप पूछ सकते हो कि भाई बीटल क्यों लाया ये बंदे ने? हाँ, क्योंकि बीटल है ना, मार्केट में इतना कोई ध्यान देता नहीं। जी बेशक, मैं नहीं बहुत घूम रहा हूँ, लेकिन मैं आज ये 7 साल से ये फील्ड में हूँ, मेरे बनाए हुए बकरे जैसे कि लोग ने लेके गए हैं, तो उनके आने के बाद बोलते बकरा बहुत अच्छा था, लेकिन यार आरिफ भाई सिर्फ चर्बी ही निकली, अच्छा गोश्त तो उसमें था ही नहीं। अच्छा, हाँ ये बहुत होता है, बहुत बोले तो जितना अच्छा बकरा तुम लोगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप ये बकरे पे देखो, बताओ मैं हाईलाइट करता हूँ उसको, जैसे कि मैं आपको ये बकरा, ये है गुजरी बकरा। हाँ हाँ, एक मिनट बस, आपका फेस है ना ऊपर ही रखो। ओके फाइन, अब ये गुजरी बकरा है, ये देखिए ये एक गुजरी बकरा है जी, ठीक है, ये गुजरी बकरा है। हाँ, ये गुजरी, ये बड़ा है, दिखने में भी बड़ा है, ये 75 अबव है, 75 केजी अबव, सही है। बट इसके अंदर आपका रेशो अगर आप जानते हो या परसेंटेज आप कहोगे, तो इसमें मोर देन 40% चर्बी रहेंगी, मोर देन 40% जब ये कटेगा। ओके, अब यही वेट का आप अगर लेते हो बीटल, बीटल तो उसमें आपको 20% भी चर्बी नहीं निकलेगी, पूरा गोश्त। हाँ, ये बीटल है ना,
एक अंदाजा अपन एक अंदाजा अगर दोनों का वेट सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये बकरों में आपको सिर्फ 20% यानी 75 किलो के बकरे में आपको 15 से 20 किलो चर्बी रहेंगी और बाकी सब पूरा गोश्त निकलने वाला। और उसमें आपको आधी चर्बी जाना ही है, जितना फरबा बकरा लोगे आप, फरबा का मतलब ही चर्बी हो, चर्बी। ओके, अच्छा, तो चाहे आप सोजत लो, चाहे आप सिरोही लो या आप गुजरी लो, लेकिन जितना फरबा बकरा लोगे उसमें चर्बी उतनी ज्यादा आती है। ओके। लेकिन बीटल में ये चीज नहीं होती है। अब मैं 3 साल से बीटल का काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, और मेरे लोग जो है वो काफी खुश है बीटल को लेकर, बीटल को लेकर कि आरिफ भाई 2 गुजरी लेके 1 बीटल ले लेते हैं तो हम लोग का एवरेज बन जाता है। सही है, सही है, हमको गोश्त मिल जाता है बांटने के लिए, नहीं तो लोग कहते हैं सिर्फ चर्बी आई, सिर्फ चर्बी। ओके, अच्छा, अपन लोग आरिफ भाई ये काम पिछले 3 साल से कर रहे हैं इस जगह से? नहीं, मेरा इससे पहले सी वुड करके जगह है जो नेरल में, नेरल में। ओके ओके, वहाँ पर तो मेरा अच्छा खासा फार्म का सेटअप था। सही है, सही, अच्छा खासा फार्म का सेटअप था, वहाँ पे मैंने 4 साल किया। सही, वो जगह का इशू, वहाँ के पानी का इशू थोड़ा बहुत आने लगा, तो उस वजह से फिर क्या, वहाँ की जगह छोड़ के चेंज करके ट्रैवलिंग भी मुझे भारी पड़ने लगी। तो आप रहते हो साउथ मुंबई में, तो आपने यहाँ पे सेटअप किया माशाल्लाह। अभी ये जैसे कि आपको गुजरी आपने देख लिया, ये पंजाबी है, ये पंजाबी है, ये पंजाबी में आप इसमें जो गोश्त निकलेगा इसमें बहुत कम चर्बी निकलेगी गुजरी के मुकाबले में, सोजत के मुकाबले। अगर बीटल अगर कोई लेता है तो उसका फायदा है, उसमें गोश्त ज्यादा मिलता है। मैं ये नहीं कहता आप सब बीटल लो, ठीक है, आपको शौक है, आपको 2 बकरा लेना है तो आप 1 गुजरी लो, 1 बीटल लो, देखो आप फिर उसके बाद 1 साल का रिजल्ट देखो आप। खूबसूरत बकरे बीटल में भी है, कलरफुल बकरे बीटल में भी आते हैं, उसमें भी आते ही है। सही है। और बीटल बोले तो एक ब्रीड होती है जो बहुत भारी ब्रीड है, ऐसा नहीं है कि बीटल कोई सिरोही जैसा तो है नहीं बीटल, बीटल की काफी ब्रीड, एक एक नग उसके काफी कीमती होते हैं माशाल्लाह। तो उस तरीके से वो मेरा एक जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट को मैं कंटिन्यू करने के लिए मैं बीटल और गुजरी ये 2 ब्रीड लेके आया हूँ। okay. सोजत तो है ही, वो तो मोस्ट फेमस ब्रीड बोलो या फेवरेट ब्रीड बोलो आप, वो तो सबकी कोई कुछ हर किसी की फेमस है, फेवरेट है मतलब देखा। सही है, तो अभी हम लोग ये जो 2 पार्ट हमने कवर किए, एक में सोजत दिखा, एक में बीटल और एक में इसमें गुजरी दिखा। जी, जी, जी। अब हम लोग इस आगे में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, गुजरी बीटल के छोटे नग आ जाइए वो भी दिखा देते, और लास्ट में हम लोग रेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ताकि लोग वीडियो पूरा देखें। क्योंकि लोग क्या करते हैं वीडियो में ना बंद करके स्किप करके देखते हैं, अगर ये वीडियो स्किप करके देखे तो उनकी जानकारी छूट जाएगी। टोटली नॉलेज वाली हम लोग ने इससे हटके भी बहुत सारी बातें की। देखो बकरे बेचना वो तो बेचना है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो तो बेशक है। हाँ, लेकिन ये चीज है जो लोगों का, जो मैंने आज 7 साल से ये देखा हूँ एक्सपीरियंस की, 7 साल से लोगों की कंप्लेंट क्या चीज की है। ओके, तो पहले तो खिलाई पिलाई की कंप्लेंट थी, उसका हमने वो चीज का खुलासा कर लिया। सही है। उसके बाद में सेकेंडली खुशी से कहते थे, किसी ने आज तक नाराजगी नहीं दिखाई चर्बी को लेके, बट हमने वो चीज में थोड़ा सी ध्यान दिए और उसमें माशाल्लाह मुझे 3 साल से अच्छा रिजल्ट आया। लोगों का ये कहना है कि भाई अब मैं गोश्त बांट सकता हूँ। अच्छा, इतने महंगे जानवर लेके पहले मैं गोश्त बांटने के लिए सोचता था यार क्या दूँ। Okay. चर्बी मिला के दूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लोगों को लगता है कि यार किसी के घर पे भी ऐसा जाएगा तो लोग क्या बोले साला चर्बी उठा के। तो वही चीज थी, अच्छा नहीं लगता है, तो वो सोच के हमने उस तरीके से काम किया। इस लॉट में हम लोग क्या दिखाने वाले, गुजरी और बीटल के छोटे बच्चे। हाँ, छोटे और गुजरी के छोटे। तो इसमें क्या दांत से क्या दांत तक है, मतलब इसमें आपको 2 दांत के बच्चे भी है, इसमें आपके 4 दांत के बच्चे भी है। ओके, गुजरी में मेरे पास 6 दांत भी है, 8 दांत भी है, बकरे हर वेट से लेके हर रेंज तक के। टोटल 203 बकरे में आपने ना माशाल्लाह 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड करके रखे हो बकरों को, और बहुत एक सोजत डिपार्टमेंट तो अलग है, अलग है। उसके बाद में बीटल और गुजरी मिक्स में है, बट छोटे बड़े के हिसाब से है क्योंकि हर किसी की रेंज दिया हुआ है आपने। और ये पूरे एकदम मतलब जो बोलते हैं ना पॉकेट फ्रेंडली हाँ वैसे है ये, बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली जैसा बोले वैसा बकरे है ये। अब हम लोग इनकी डिटेल, इनका वजन क्या होगा? वजन मेरे पास आपको 45 से लेके मे बी 45 से कम के तो बकरे है नहीं, लेकिन कुछ जो सफर में टूट चुके हैं तो वो अलग बात है। ओके, बट मेरा स्टार्टिंग 45 से लेके आपको 85-90 केजी तक के बकरे अवेलेबल है माशाल्लाह। और 90 केजी तक अपने पास है जी, और 2 दांत से 8 दांत तक के बकरे अपने पास है। जगह है रेरोड में दारूखाना के अंदर, लक्ष्मी पेट्रोल पंप के पीछे ही, जस्ट पीछे गली में ही है। और अगर किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम आता है तो गूगल पे हम लोग नंबर जानगोट डाल दो तो मिल जाएगा, है ना, मैप आपको सीधा यहाँ पहुँचाएगा। सही है आरिफ भाई, अब हम लोग बात करेंगे मतलब लोगों का सबसे फेमस पार्ट, फेवरेट पार्ट बोलते हैं ना, रेट के बारे में, क्या रेट हम लोग कोट कर रहे हैं? रेट ऐसा है कि इसमें रेट मेरा 400 onwards है। 400 onwards पर केजी? पर केजी माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और लास्ट अपन क्या कर रहे हैं कोट? 550 बस।
400 से 550 उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर सोजत बकरे है जो सोजत बकरे है वो मुझे आए महंगे है तो उस हिसाब से 550 है, बट उसमें भी 550 के ऊपर नहीं है। और ये सब जो आपने अभी जो देख लिए हो बड़े वाले पंजाबी वगैरह जो भी आपने देखे गुजरी वगैरह ये सब इनसाइड 550 है, नोबडी कुछ भी चीज 550 के ऊपर नहीं है। सही है। और अपना अगर कोई बोलता है बकरा मुझे यहीं रखना है मेरे पास घर पे जगह नहीं है तो उसके लिए क्या है अपने पास ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन बनाने के लिए ऑप्शन है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। हाँ इंशाल्लाह क्या चार्जेस हम लोग लेंगे? चार्जेस तो देखो कैसा है कि कुर्बानी होने के बाद में बकरा तो उनका हो जाता है सौदा होने के बाद। सही है। उसके बाद में देखो ऐसा तय करना वो जायज नहीं है। अब बड़े छोटे बकरे है उसके हिसाब से 70 भी है, बड़े बकरे है 100 भी है, उसमें बस वो लड़कों की खुशी रहती है भाई। मैं तो आज भी बकरे नहीं बिके तो भी खाना खिला रहा हूँ, बाद में भी खाना खिलाऊंगा। हाँ मैं कुछ पर्सनल लाइट नहीं दूंगा जो झूठ नहीं, जैसा बकरा आज खा रहा है लेने से पहले उसके बाद भी बकरा उसी तरीके से खाएगा। बस बड़ा छोटा बकरा है तो बड़े छोटे देखो जो कम खाएगा उसका मैं अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई मैं 100 रुपीज तय कर लिया लेकिन आपने तो बकरा लिया 50 किलो का तो वो मेरा भी दिल गवारा नहीं करेगा क्योंकि अब वो हो गया है कुर्बानी का जानवर। सही सही सही। उस पर एक लेबल लग चुका है आज तक के ये जो जानवर आपके सामने है ये बिकने वाले जानवर है लेकिन जब आपने इसको खरीद लिया है तो ये कुर्बानी का जानवर है, उस पर नाजायज पैसा मुझे भी नहीं लेना है। तो छोटा बकरा रहेगा तो 70, बड़ा बकरा है तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे जो भी रहेगा। हम लोग फेस टू फेस डायरेक्ट बैठ के बात करेंगे, ठीक है। और जगह हम लोग वापस से बता देते हैं, लक्ष्मी पेट्रोल पंप के वेबसाइट पे ही है, दारूखाना रे रोड में, ठीक है, साउथ मुंबई के अंदर है। बहुत अच्छी जगह पे बकरे हैं और आप यहाँ पर आए बकरे देखे। और अगर आपको एड्रेस में कुछ कंफ्यूजन है तो आप जान गोट फार्म डाले, आपको प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, लोकेशन आपको मिल जाएगा, आप लोग यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मेरा कॉल है, आप कॉल नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर आरिफ भाई का नहीं तो दे ही दूंगा, आप लोग इनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लेना। लेकिन जो भी बकरे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर मत कीजिएगा प्लीज, बेशक, क्योंकि ये टाइम अभी शेयर करके डिटेल बताने का नहीं है। आप लोग प्रॉपरली यहाँ पे विजिट करें, अपनी आंखों से बकरा देखें, पसंद करें और लेकर जाएं। बेशक ये आपने जो बात कही ये आपने कुछ अच्छी बात कही देखने वाली। 400 रुपीज ऑनवर्ड्स जो है इन्होंने प्राइस ओपन किया हुआ है, आप आइए देखिए इसके अंदर कौन से बकरे क्या है आपके बजट में जो आते हैं, आप इंशाल्लाह यहाँ पर आके देखिए, काफी अच्छे बकरे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आरिफ भाई वीडियो क्लोज करते हैं। बेशक माशाल्लाह काफी अच्छा वीडियो बना, काफी अच्छी वैरायटी देखने को मिली, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।